नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। अभी का बड़ा बयान एक आया है पप्पू यादव की तरफ से, जिन्होंने नीतीश कुमार को 2024 में पीएम पद के प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। पप्पू यादव ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार के सभी नेताओं को एकजुट होकर वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए। वर्ष 2024 में सीएम नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनाकर एक नई सियासत की शुरुआत की जा सकती है। पप्पू यादव ने बताया कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आज कांग्रेस जिस तरह से पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ रही है, उसी तरह बिहार के तमाम नेताओं को आगे आना चाहिए। देश को आजाद हुए 72 साल हो गए हैं, इसके बाद भी बिहार से आज तक एक भी पीएम नहीं बन पाया है। इसलिए तमाम नेताओं को एकजुट होकर 2024 के चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिहार से पीएम पद का कोई प्रत्याशी नहीं है। सीएम नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार हैं। उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम पद के चेहरे के तौर पर उभरना चाहिए तथा बिहार को पहला पीएम देना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हर स्थिति में ये फैसला करने का समय आ गया है कि निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर जय प्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के मूल्यों पर चलने का प्रयास किया जाए। उन्होंने बोला कि हम चुनाव हारने का दोष किसी व्यक्ति या कार्यकर्ता को नहीं दे सकते हैं। यह मेरी गलती है कि मैं भगवान रूपी जनता को नहीं पहचान सका या नहीं समझ सका। मधेपुरा की जनता को भगवान समझे, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपने ही भक्त को मार दिया। मुझसे बड़ा भक्त दुनिया में और कौन होगा। मैंने गरीब को हर संभव मदद किया, न्याय प्रगति की बात की, हर व्यक्ति के साथ अच्छा रिश्ता बरकरार रखा, जिसका परिणाम मुझे हार के रूप में मिला। पप्पू यादव बताते हैं कि ये उनकी गलती है कि वे जाति धर्म की सियासत को छोड़कर भाईचारे की सियासत करके चुनाव लड़े और जीतना भी चाहा। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मधेपुरा सीट से वे चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए, चूंकि वो महागठबंधन और एनडीए दोनों में से किसी तरफ से चुनाव लड़ना चाहते थे उन लोगों के टिकट से, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, ना ही तो एनडीए से और ना ही महागठबंधन से। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से खुद चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।